पाक उच्च आयोग के आयोजन में शामिल होने और ट्वीट से उपजे विवाद पर बोले वीके सिंह, पीएम मोदी समेत कोर कमेटी ने रात में मामले पर स्पष्टीकरण देने का दिया था निर्देश। ट्वीट पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की सफाई, कहा मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया मामला। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा पार्टी और सरकार पूरी तरह मेरे साथ नहीं की इस्तीफे की पेशकश। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा कार्य है जो हर मिनिस्टर स्टेट को जो एक्सटर्नल अफेयर्स में आते हैं, हमारी सरकार के अंदर ये पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। वीके सिंह ने कहा पूर्व सेना अध्यक्ष होने के नाते ऐसी कई बातें मालूम जो किसी को नहीं पता। साथ ही बोले कई देशों के कार्यक्रम में जाता हूं लेकिन फालतू लोगों से हाथ नहीं मिलाता। पीएम निवास पर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, वीके सिंह से जुड़े विवाद के साथ भूमि अधिग्रहण बिल पर हुई चर्चा। भूमि अधिग्रहण बिल पर फिर से अध्यादेश लाने की तैयारी, 5 अप्रैल को खत्म हो रही है अध्यादेश की मियाद। भूमि बिल पर किसान और मजदूर संगठनों से भी चर्चा करेगी सरकार, राज्यसभा में कुछ और संशोधन लाने की तैयारी, बजट सत्र के दूसरे चरण में बिल पास कराना मकसद। बैठक में बीजेपी के खाली पदों पर भी हुई बातचीत, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा समेत तमाम दिग्गज नेता रहे मौजूद। मोदी ने बैठक के बाद जेटली और शाह से अकेले में की बात। सईद सरकार ने दूर किया आसपा कानून पर उपजा भ्रम, जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब एरिया एक्ट खत्म होने के बाद उठे थे सवाल। जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ तौर पर कहा प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी लागू रहेगा आसपा, 1990 में पास किए गए थे आफ्सपा और जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब एरिया एक्ट। जम्मू प्रोविंस के सारे जिले और कश्मीर प्रोविंस के ले और करगिल को छोड़ के वादी के 10 जिले नोटिफाइड है एज डिस्टर्ब एरिया सेक्शन 3 आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट के तहत। जम्मू सेक्टर में सरहद पर पाक रेंजर्स की संदिग्ध गतिविधि, बीएसएफ ने रेंजर्स को दी चेतावनी। रात 11:30 बजे के करीब 3 से 4 संदिग्ध लोग सरहद के करीब आए नजर, बीएसएफ ने उन्हें और करीब आने से रोकने के लिए की सीमित गोलीबारी। जनता की शिकायतें सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे नई वेबसाइट, मौजूदा पब्लिक वेब इंटरफेस की जगह अब प्रगति नाम का नया पोर्टल होगा। पीएम मोदी हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय और मुख्य सचिवों से करते हैं संवाद, इस संवाद के दौरान ही आज लॉन्च होगा प्रगति पोर्टल। यमुना की सफाई पर जागी केंद्र सरकार, किया नई कमेटी का गठन, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। ट्विटर के सीईओ डिक कॉस्टेलो ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पीएमओ सूत्रों से मिली खबर। क्यूबा के उपराष्ट्रपति ने किया आगरा का दौरा, ताजमहल देखने पहुंचे थे उपराष्ट्रपति मिगुएल डियाज। मुंबई के मरीन ड्राइव में सफेद एलईडी लाइट पर बीजेपी शिवसेना के बीच फिर दिखा मतभेद, शिवसेना ने सामना में लेख लिखा, मुंबई पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब। आर यू सैटिस्फाइड विद द लाइटिंग लेवल्स फ्रॉम द न्यू एलईडी स्ट्रीट लाइट्स? The response thus 79% said they are satisfied. कोई विरोध करना इसलिए विरोध नहीं है, हमने विकास या कोई अच्छी बात मुंबई में हो रही है उसके लिए कभी विरोध नहीं किया है। मुंबई के हिट एंड रन केस में सलमान की याचिका पर आज आ सकता है फैसला, मुख्य गवाह का बयान दर्ज करने वाले अधिकारी से फिर पूछताछ की मांग। 27 मार्च को कोर्ट में मौजूद रहेंगे सलमान खान, जज सलमान से सीधे तौर पर कर सकते हैं सवाल। अनुदान को लेकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार और नगर निगम के बीच छिड़ा घमासान, आम आदमी पार्टी के तर्ज पर धरने की तैयारी। सुबह 11:00 बजे से 2:45 बजे तक तीनों नगर निगम दिल्ली विधानसभा के बाहर, आज मेयर देंगे धरना, नॉर्थ दिल्ली के मेयर योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के सभी पार्षदों के साथ रहेंगे मौजूद। ईस्ट एमसीडी ने कर्मचारियों ने कल दिल्ली में किया था प्रदर्शन, रुके हुए वेतन की थी मांग, 3 महीने से नहीं मिली है सैलरी। राजधानी दिल्ली के हजारों विकलांगों और बुजुर्गों को भी नहीं मिल पा रही है पेंशन, 21 मार्च को सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली सरकार ने कल फंड के संकट पर जताई थी चिंता, कहा केंद्र 600 करोड़ दे तो देंगे एमसीडी को पैसा।
समन्वय बैठक में संघ फटकार के बाद जागी बीजेपी वरिष्ठ नेताओं से सुझाव पर किया अमल। कल आडवाणी और जोशी से मिले अमित शाह और अरुण जेटली। जेटली और शाह ने मार्गदर्शक मंडल के नेता आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से राम जन्मभूमि और भूमि अधिग्रहण बिल पर की बातचीत। अमित शाह हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। महीने की पहली और 15 तारीख को कार्यकर्ताओं से मिलेंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी अब सताई किसानों के मुआवजे की अब बीजेपी को सताई है फिक्र। कल राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से की मुलाकात, जल मुआवजे की जताई इच्छा। मछुआरों के मुद्दे पर भारत श्रीलंका के बीच हो रही वार्ता हुई खत्म। चेन्नई में श्रीलंका के प्रतिनिधियों के संग बैठक। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चेन्नई के नजदीक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी शिविर का किया दौरा। कैंप को दी जाने वाली राज्य सुविधाओं की सराहना। किरण रिजिजू ने तमिल शरणार्थियों को दिया भरोसा, दिल्ली पहुंचकर उठाएंगे इस मसले से जुड़े सभी जरूरी कदम। पटना में लोकतांत्रिक राजनीति पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने इशारों में फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। नीतीश ने कहा संसदीय प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, इस पर सबको नाज है, लेकिन देश में नाज करने लायक माहौल भी होना चाहिए। बोले सरकार चलाना आसान, देश चलाना है कठिन। मैरीकॉम पर बनी फिल्म को भी अवार्ड, सबसे लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 11 साल की गायिका उत्तरा उन्नीकृष्णन को मिला सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार। 11 साल की उत्तरा को तमिल फिल्म सेवम में गाए गीत के लिए मिला नेशनल अवार्ड। यस, आई वुड लाइक टू थैंक विजय अंकल, माय गुरु सुदांती, विजय अंकल, जीवी अंकल, माय डैड एंड हूएवर हेल्प्ड मी टू सिंग द सॉन्ग। विशाल भारद्वाज को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का नेशनल अवार्ड। न्याय व्यवस्था की खामियों पर बनी फिल्म कोर्ट की भी जमकर हुई सराहना। 17 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म, 3 मई को दिए जाएंगे सभी पुरस्कार। बड़े मालवाहक विमानों में से एक हरक्यूलिस C-130J ने मुंबई के जुहू एरोड्रम पर की लैंडिंग। छोटे एयरपोर्ट पर लैंड करने में सक्षम है हरक्यूलिस। 3,750 फुट लंबा है जुहू एरोड्रम। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी होगा हरक्यूलिस का ट्रायल। 12,008 फुट लंबा है रनवे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के खरडा गांव में पेयजल पर राजनीति। गांव के अलग अलग टोलों में अलग अलग दिन आता है पानी। वडार समाज का आरोप, 15 दिनों बाद मिलता है पेयजल। गांव के बाकी हिस्से में 4 दिनों बाद की जाती है पानी की सप्लाई। खड्डा में कुएं के गंदे पानी पर जीवन यापन करने की मजबूरी। पानी भरते समय कुएं में गिरने से कल एक नाबालिग लड़की की हुई मौत। भारतीय नौसेना का छोटा टोही विमान क्रैश, गोवा में हुआ हादसा। विमान पर सवार थे 3 क्रू मेंबर, फ्लाइट कमांडर को मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकाला, बाकियों की तलाश जारी। रात 10:15 पर हुआ हादसा, नीचे उड़ान के अभ्यास के वक्त घटी दुर्घटना। गुजरात के वाडिनार पोर्ट पर पकड़ा गया माइक्रो ट्रांसमीटर लगा कबूतर, परिंदों से जासूसी कराए जाने का गहराया शक। यातायात पर नियंत्रण के लिए गुड़गांव पुलिस का CCTV पर जोर, भीड़भाड़ वाले 200 इलाके चिन्हित किए गए, फिलहाल 12 जगहों पर लगाए गए जाएंगे जल्द CCTV। दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों का कहर, वेस्ट दिल्ली में 2 जगहों पर वारदात को दिया गया अंजाम। 5 नकाबपोश बदमाशों ने वीरेंद्र नगर इलाके में जौहरी की दुकान से 13 लाख का सोना लूटा। नांगलोई इलाके में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर 9 लाख की लूट को दिया अंजाम। तिलक नगर इलाके में आउटर रिंग रोड पर एक कारोबारी और उसके मैनेजर को लूटने की कोशिश, भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ा। फरीदाबाद में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पहले युवक को मारी टक्कर, बाद में की पिटाई। अस्पताल के CCTV में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में जुगला समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, जोगेंद्र उर्फ जुगला पर था 50,000 का इनाम। बेंगलोर में IAS DK रवि की मौत मामले में पिता ने CID पर लगाया आरोप, कहा जानबूझकर CID ने CCTV फुटेज किए डिलीट। मुंबई में बांद्रा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टूटा रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर पलटी टवेरा, ड्राइवर घायल। बीती रात मुंबई में अंधेरी के एक तबेले में लगी आग, 2 भैंस और 1 गाय जलकर मरी, नजदीक की दुकान भी हुई स्वाहा। बिहार के बाद अब उत्तराखंड में सामने आई नकलचियों की तस्वीर, उत्तरकाशी में 12वीं की परीक्षा के दौरान छात्रों को नकल कराते दिखे शिक्षक।
उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में थी परीक्षा, कैमरे में कैद हुई शिक्षकों और परीक्षार्थियों की करतूत। नवी मुंबई के पनवेल में चर्च पर हमले के 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस स्केच जारी करने के साथ ही 10,000 के इनाम का भी पुलिस ने किया था ऐलान। कानपुर में जौहरी की दुकान से 60,000 के जेवरात चुराने पर महिला की पिटाई, आरोपी महिला के पास से जेवरात बरामद करने का दावा। जौहरी ने चोरी की, पुलिस को नहीं दी सूचना, कहा पुलिस सूचना पर भी कुछ नहीं करती, हमने खुद ही चोरी का सामान किया बरामद। रोहतास के जिला अस्पताल में सिविल सर्जन घूस लेते गिरफ्तार, जांच दल ने शिकायत पर 1,00,000 की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। सिविल सर्जन पर आरोप, दीपक नाम के एक शख्स से नौकरी स्थायी करने के एवज में मांगी थी घूस। दिल्ली में अंडरग्राउंड मेट्रो की वजह से मकान में दरारें, मेट्रो प्रशासन ने लिया जायजा लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। गोरखपुर में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग, चलती कार में मारी गोली। स्विफ्ट डिजायर कार में जा रहे थे पूर्व ग्राम प्रधान और उनके बेटे, हमले में बेटे की मौके पर मौत। रोहतक में नर्स ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा ज्योतिषी ने किया ब्लैकमेल। मृतक नर्स के पति ने दर्ज कराया केस, तंत्र मंत्र में फंसाकर ज्योतिषी ने बनाया अश्लील वीडियो। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को ललकारा, कहा कंगारुओं को हराने का यह है सबसे बड़ा मौका। विराट ने ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाजों से किया सावधान, बोले जिस तरह से भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे हैं उससे पार पाना मेजबान के लिए है मुश्किल। कल सिडनी में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होगा मैच। इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन माइकल वॉन ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ, कहा माही को वर्ल्ड कप जीतना है आता। वॉन ने कहा धोनी की कप्तानी में हैरी पॉटर जैसा जादुई करिश्मा, बोले ऑस्ट्रेलिया और जीत के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो है धोनी। सेमीफाइनल के रंग में रंगा देश, गेंदबाज मोहित शर्मा के कोच ने दी बधाई। मोहित के कोच ने कहा बातचीत के दौरान मोहित थे बेहद खुश। सेमीफाइनल से पहले सिडनी पहुंची एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, विराट कोहली ने बिताए फुर्सत के लम्हे। धोनी की बिटिया जीवा को भी है वर्ल्ड कप के साथ पापा का इंतजार, साक्षी ने किया ट्वीट। धोनी ने अब तक नहीं देखा है बिटिया को, 6 फरवरी को हुआ था जन्म। कोलकाता में छाया विश्व कप का खुमार, हावड़ा में मिठाई की दुकान पर बिक रही है धोनी, कोहली और समी की मूर्तियों वाली मिठाई। का विश्व कप चल रहा है, इंडिया गया ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉफी लाने के लिए, इसका चलते हम मिठाई का मूर्ति बनाया। क्रिकेट के खुमारी में रेस्टोरेंट में बदला मेन्यू कार्ड, मुंबई के कृष्णा पैलेस रेस्टोरेंट में धवन का अपर कट ऑर्डर करने पर मिलेगा स्टफ मशरूम। मेनू लिस्ट में भुवनेश्वर की आउट स्विंगर, उमेश यादव का बाउंसर, रविंद्र जाडेजा का स्वीप भी शामिल। नॉनवेज डिश में हिट है धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। रेस्टोरेंट में विराट के अनुष्का नाम की भी डिश, ये मेनू ऑर्डर करने पर मिलती है क्रिस्पी फिश। दक्षिण फ्रांस में क्रैश हुए विमान A320 का ब्लैक बॉक्स मिला, फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री ने दी सूचना, जांच एजेंसी को सौंपा गया ब्लैक बॉक्स। विमान में 2 बच्चों समेत 150 लोग सवार थे जिनमें 45 स्पेनिश और 16 छात्रों समेत 67 जर्मन यात्री थे। बार्सिलोना से डेजलडोफ जा रहा था विमान, सर्च ऑपरेशन जारी। फ्रांस के पीएम का बयान, हादसे के पीछे क्या वजह अभी इसकी जानकारी नहीं, अब ब्लैक बॉक्स से खुलेगा हादसे का राज। हादसे के वक्त 5,000 फीट की ऊंचाई पर था विमान, आखिरी सिग्नल से मिला संकेत। सिंगापुर के पूर्व पीएम ली कुआन यू के अंतिम संस्कार में भाग लेंगे पीएम मोदी, 29 मार्च को सिंगापुर जाने का है कार्यक्रम।